बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को इंडस्ट्री का किंग कहकर बुलाया जाता है। वेल, शाहरुख को बिल्कुल ठीक खिताब मिला है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में इतना काम किया है, इतना नाम कमाया है कि ही डिजर्व्स दिस टाइटल। लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम शाहरुख की किसी फिल्म या उनकी प्रोफेशनल लाइफ की नहीं, बल्कि हम बात करने वाले हैं शाहरुख की पर्सनल लाइफ की। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गौरी से शादी करने के लिए हिंदू बन गए थे शाहरुख। शाहरुख ने अपना नाम अभिनव रख लिया था? नहीं नहीं, शाहरुख खान ने अपना धर्म तो नहीं बदला था, लेकिन क्योंकि गौरी खान के माता पिता को इंटरकास्ट मैरिज मंजूर नहीं थी, इसी के चलते शाहरुख और गौरी ने शुरुआती दिनों में शाहरुख का नाम गौरी के घर पर अभिनव बताया। जी हाँ, गौरी ने अपने घर पर कहा था कि उन्हें अभिनव नाम के लड़के से प्यार है। गौरी ने इस पर बात करते हुए कहा, मैं और शाहरुख शादी के समय बहुत छोटे थे और इस उम्र में पेरेंट्स को शादी करने का फैसला पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा शाहरुख खान उस समय फिल्मी दुनिया में जा रहे थे और उसका धर्म अलग था, तो मेरे पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। गौरी खान ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान का नाम बदलकर अभिनव रख दिया ताकि उनके पेरेंट्स को लगे कि वो एक हिंदू लड़का है। गौरी ने कहा कि ये बहुत इमैच्योर हरकत थी। जी हाँ, एक वक्त वो था जब शादी के लिए गौरी ने अपने पति शाहरुख का नाम अपने घर पर अभिनव बताया, और एक वक्त ये है कि आज शाहरुख के घर पर मंदिर में कुरान भी पड़ी है और भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। शाहरुख के बेटे का नाम अब और राम है, जो कि इब्राहिम और राम से जुड़कर बना है, अब राम। वही शाहरुख खान ने अपने तीनों बच्चों को उनकी मर्जी का धर्म चुनने की आजादी भी दी है। वेल, इसके बाद हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।